मैं ओपन कर लेता हूँ अपना सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। अभी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन मेरा विजिबल नहीं है आपको? नहीं अभी नहीं। अब आया होगा। हाँ मैं शेयर करता हूँ दोबारा। मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, न्यू फाइल सेव करूँगा और 3javascript.html एंटर। सेव हो गया, ये html लिख के टैब दबा दिया तो आ गया। जावास्क्रिप्ट मैं बना लिया वही। कल हमने ऑपरेटर देखा था, मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर में एक चीज बताना भूल गया कल, तो देख लेते हैं अभी क्या है। तो मैं कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ, ए इक्वल टू 10। इसी को मैं कुछ कॉपी पेस्ट कर लूँगा 4-5 बार। इसको कर दूँगा बी, इसको कर दूँगा सी, इसको कर दूँगा डी। console.log और यहाँ पे a प्लस बी कर दूंगा तो ये जुड़ जाएगा, और यहाँ पे c प्लस डी कर दूंगा, प्लस नहीं माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, और बाकी में नीचे भी कर देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो ये चीज़ें तो जो है आप लोग जान रहे हैं। कॉपी फाइल फाइल किया मैंने और ओपन कर लेता हूँ मैं अपना क्रोम। इंस्पेक्ट एलिमेंट और उसके बाद कंसोल में आउटपुट जो है आ रहा है हमारा। अच्छा 10-10 है इसीलिए यहाँ पे 0 आ गया। तो इतना तो ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, लेकिन इसमें दो और भी ऑपरेटर हैं। एक है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मैं लिख दूं यहां पे अगर कमेंट करके नीचे पे, तो क्या एक है इंक्रीमेंट और दूसरा है डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट पता नहीं स्पेलिंग मेरा सही है या नहीं, ऐसे होना चाहिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये इंक्रीमेंट है और ये डिक्रीमेंट है, दो ऑपरेटर होते हैं। इसमें भी दो होते हैं, एक प्री होता है एक पोस्ट होता है। इसमें भी यही दो होते हैं। इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ यहाँ पे। console.log सबसे पहले इंक्रीमेंट देखते हैं, तो इंक्रीमेंट को साफ मैं ऐसे ही रहने देता हूं। मैं कमेंट को थोड़े दूसरे तरीके से देता हूं ऐसे, क्योंकि ये सोर्स कोड देना भी तो होगा मुझे। इसको मैं हटा देता हूं। इसको भी हटा दिया मैंने ऐसे। तो पहले हम यहां पे देख लेते हैं डिक्रीमेंट। अब डिक्रीमेंट कैसे किया जाता है, तो डिक्रीमेंट के लिए जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर है माइनस माइनस। माइनस माइनस जब भी हम वेरिएबल के पहले लगाएंगे तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। जैसे मैंने लिखा यहां पे ए, तो इस वेरिएबल का नाम ए है, इसके पहले दो ठो में माइनस माइनस लगा दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए में जो वैल्यू पहले था उसमें मैंने एक माइनस किया। मैं कंसोल में दिखाता हूं आपको, ये देखिए 9 आ गया यहाँ पे। तो मैं बाकी जो हैं इनको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। ए
एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लाई का है और ये डिवाइड का है, इन सबको मैंने किया कमेंट। और यहाँ पे जैसे मैंने करा तो ये जो है आ गया, मैंने विंडोज दबाया और लेफ्ट एरो दबाया तो ये इधर शिफ्ट हो गया। अब मैं गूगल क्रोम पे आया, विंडोज प्लस राइट एरो दबाया तो ये इधर शिफ्ट हो गया। इस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये आ जाएगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ मैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट, कंसोल, छोटा करता हूँ विंडो, इसको मैं इधर ले लाऊंगा और फिर क्लियर कर दिया टोटल मैंने। तो माइनस माइनस मैंने यहां पे करा और यहां पे प्रिंट हो गया 9। इसी को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं और नीचे कर लेता हूं पेस्ट। पहले जो मैंने माइनस माइनस करा था वो मैंने बाद में माइनस माइनस अब कर दिया। अब इसको मैंने चलाया, दोनों में आ गया 99। अब आप कहेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, तो हमें अंतर जानना है तो हम क्या करेंगे, एक बार और प्रिंट करूंगा मैं डॉट लॉग और यहां पे कर दिया ए। अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो अंतर आपको कुछ समझ में आएगा। तो यहां पे आ गया 8। क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ ये कि पहले अगर वेरिएबल के पहले माइनस माइनस मैंने लगाया तो ये होगा डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पर प्री डिक्रीमेंट हुआ। प्री डिक्रीमेंट का मतलब ये है कि चाहे कोई भी काम करना हो आपको, वो सारा काम बाद में करिएगा, पहले वेरिएबल का वैल्यू 1 माइनस करिए फिर कुछ काम करिए। अब काम से क्या मतलब है, कौन सा कार्य करना है आपको। तो मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये वेरिएबल को रखा है, मतलब मेरा कार्य ये था कि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ ए का वैल्यू। तो सबसे पहले क्या लगा था इसमें, माइनस माइनस मतलब प्री डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या किया गया कि सबसे पहले ए का वैल्यू को एक कम किया फिर प्रिंट कर दिया। तो 10 था यहाँ पे वैल्यू तो यहाँ पे 9 प्रिंट हो गया, यहाँ पे 9 प्रिंट कर दिया। अब वही मैं ऊपर भी प्रिंट करता हूं, ये देखिए। अब मैं रन करूंगा प्रोग्राम तो क्या होगा, यहां पे भी 9 आएगा। अब इसका क्या मतलब है, हमें समझ में आ गया कि प्री इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि सबसे पहले आप वैल्यू को डिक्रीज करो, एक कम करो फिर प्रिंट कर दो। या फिर अगर मैंने ऐसे लिखा होता लेट जेड इक्वल टू माइनस माइनस ए, तो यहां पे अगर मैं जेड को प्रिंट करूं, जेड को अगर मैंने प्रिंट कर दिया यहां पे तो 9 आ गया। तो क्या हुआ, यहां पे सबसे पहले ए को डिक्रीज किया, 9 हो गया, अगर यहां पे 9 हुआ फिर 9 को जो है जेड में शिफ्ट किया। तो यहां पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, ए का वैल्यू को जेड में हम असाइन कर रहे हैं, मतलब ए का वैल्यू जेड को हम दे दे रहे हैं। तो यहां पे दूसरा काम ये था असाइन करना, यहां पे दूसरा काम था प्रिंट करना। तो इसीलिए पहले जो है क्या किया, पहले वैल्यू को डिक्रीज किया और फिर प्रिंट किया। अब यहां पे मैंने क्या किया, सिंपल सा प्रिंट किया, तो ये वाला तो लाइन क्लियर होगा आपको। लेकिन वही हम पोस्ट डिक्रीमेंट यूज करेंगे तो क्या होगा, पोस्ट डिक्रीमेंट से होगा ये कि आप जो भी काम करना चाह रहे हैं वो सारा काम आप कर दीजिए, आखिरी में एक वैल्यू हम कम कर देंगे, आखिरी में एक वैल्यू हम कम कर देंगे। मैं क्या करता हूं, इसको मैं ऊपर भी प्रिंट करता हूं एक बार। मैंने प्रिंट कर दिया डिक्रीमेंट करने से पहले और फिर प्रोग्राम को रन कर दिया तो आ गया यहां पे 10, करेक्ट। ए में असाइन था 10,
यहाँ पे आ गया 10। इसका आउटपुट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है लाइन नंबर 23। 23 क्यों आ रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, 24 हो गया। तो लाइन नंबर 24 पे प्रिंट हुआ है कंसोल डॉट लॉग, ये तो आ गया 10। वही चीजें दोबारा मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लाइन नंबर 25 पे, तो क्या हुआ, ए का वैल्यू को पहले प्रिंट करा तो 10 प्रिंट कर दिया, उसके बाद प्रिंट करने के बाद एक वैल्यू कम कर दिया, एक माइनस किया। तो दोबारा जब मैंने लाइन नंबर 26 पे प्रिंट करा है यहाँ पे, तो लाइन नंबर 26 पे जब मैंने प्रिंट करा तो आंसर आ गया 9। तो यही पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में अंतर होता है। यही सेम चीज मैं नीचे करूं तो यहां पे इंक्रीमेंट करा गया है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूं यहां पे, और यहां पे मैंने प्लस प्लस करा, इसका काम हो गया, मैंने इसको कर दिया कमेंट। इसको मैंने प्लस प्लस करा मतलब इंक्रीज किया वैल्यू, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, तो ए नाम का जो वेरिएबल था इसमें 10 असाइन था, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 11। तो यहां पे 11 आ गया, क्यों, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट यहां पे लगा हुआ है, तो पहले वैल्यू को इंक्रीज करेगा, पहले वैल्यू इंक्रीज होगा फिर प्रिंट होगा, तो यहां पे 11 आ गया। जैसे मान लीजिए मैं इसको बाहर इंक्रीज करता हूं, यहां पे इंक्रीज किया और फिर यहां पे मैंने ए को प्रिंट किया, फिर भी 11 ही रहेगा आउटपुट। परंतु मैं इसको हटाता हूं, प्लस प्लस करता हूं, अब इसको जब मैं प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, 11 ही अभी भी आउटपुट आएगा। अंतर तो समझ में नहीं आया, तो अंतर समझने के लिए इसको यहां से मैं कट करूंगा और यहां पे पेस्ट करूंगा। अब यहां पे दो काम एक साथ हो रहा है, एक काम हो रहा है कंसोल डॉट लॉग कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ए का वैल्यू प्रिंट कर रहा है, और दूसरा काम ये हो रहा है कि ए का जो वैल्यू था उसमें एक इंक्रीज किया जा रहा है। तो इसको मैं दोबारा से चलाऊंगा तो यहां पे आउटपुट में आ गया 10। क्यों, क्योंकि 10 यहां पे असाइन था, वही आउटपुट आ गया। अब हमें 11 देखना है तो क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग करेंगे और फिर यहां पे ए को प्रिंट कर देंगे, तो अब आंसर आ जाएगा 10 और 11। तो ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। क्लियर होगा यहां तक, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई संदेह होना चाहिए, किसी को कुछ नहीं, कोई संदेह नहीं।